अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ फिजिक्स से जो वर्क डिस्कस करने जा रही हूँ। आपको पता है वर्क किसे कहते हैं? वर्क जो है वो किसी भी एक्टिविटी को या किसी भी एक्शन वर्ड को हम वर्ब बोलते हैं, ये कॉमन वर्ब है। लेकिन हम स्टेटिव वर्ब जो है वो क्या होते हैं और इनका हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, चलिए देखते हैं स्टेटिव वर्ब क्या है। ये ऐसे वर्ब होते हैं जो कि इमिजिएटली वाक्य होते हैं, ठीक है, इमिजिएटली ये हैपन होते हैं और ये ज़्यादा देर के लिए कॉन्टिन्यू नहीं रह सकते हैं, और इसलिए इसको हम टेंस में इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब होते हैं जो कि किसी भी वर्ब की सडन एक्टिविटी को शो करते हैं, इसलिए इनको स्टेटिव वर्ब कहा जाता है। तो जो कि ये किसी भी सडन एक्टिविटी को, सडन टास्क को शो करते हैं, ठीक है, सडन एक्शन को शो करते हैं, ये स्टेटिव वर्ब्स कहलाते हैं। अब कौन कौन से स्टेटिव वर्ब्स हैं और ये स्पेशली, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि ये किसी टेंस में इस्तेमाल नहीं होते, तो कहाँ पर इनका इस्तेमाल होता है? इनका स्पेसिफिक यूज़ है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में, और लिस्ट ऑफ जो स्टेटिव वर्ब्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। देख लेते कौन कौन से स्टेटिव वर्ब्स हैं। फर्स्ट इज सी, स्मेल, टेस्ट, हेयर, नोटिस, रिकग्नाइज, रिमेंबर, नो, रिकलेक्ट, फॉरगेट, अंडरस्टैंड, थिंक दैट, फील दैट, वेंट, वॉन्ट, विश, डिज़ायर, सीम, लव, हेट, केयर, फॉरगिव, रिफ्यूज, फिट, बिलोंग एंड पोजेस। दीज आर ऑल कॉल्ड स्टेटिव वर्ब्स एंड दे आर यूज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। थैंक यू सो मच।